ब्रो प्लीज टेकन की तरह कोई गेम्स के ऊपर वीडियो बनाओ जिसमें टेकन के तरह डिफरेंट करेक्टर्स एंड कॉम्बोज हो, मल्टीप्लेयर भी हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2 GB रैम वाले डिवाइसेस में भी चल जाए। सो थैंक यू सो मच रिफ्लेक्टेड स्पाइडी इतना कमाल का टॉपिक बताने के लिए। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि 2 GB रैम की जो आपने रिक्वायरमेंट कही है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी। मेरा मतलब ये है कि 2 GB रैम में मल्टीप्लेयर फाइटिंग गेम्स बहुत ज्यादा कम थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द गेम्स इस लिस्ट में ऐसे ऐड किए गए हैं जो कि 3 GB रैम के ऊपर के डिवाइसेस में वर्क करेंगे। बट आपने घबराना नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी गेम्स बताने वाला हूं उनमें से कुछ गेम्स के मैं आपको अल्टरनेटिव गेम्स बताऊंगा जो कि 2 GB रैम के डिवाइसेस में वर्क कर जाएंगे। अच्छी बात बोली, तो लाइक कर देना। लेकिन अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं शॉर्ट टैग गेमिंग। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टॉप 10 फाइटिंग गेम्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो हमारी गेम है इसका नाम है फाइनल फाइटर। अगर हम इस बात को हिंदी में बोलेंगे तो कैसा लगेगा, आखिरी लड़ाकू। कुछ भी, गेम के बारे में बात की जाए तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कितने सारे प्लेयर्स ने आतंक मचाया हुआ है। मेरा मतलब कि इस गेम में आपको काफी सारी पावर्स देखने के लिए मिलेंगी, काफी कमाल के कॉम्बैट मूव्स, मल्टीप्लेयर मोड्स और इसके साथ गेम का साइज है 884 MB। वैसे तो ये गेम आपका 2 GB रैम वाले डिवाइसेस में वर्क कर जाएगा, लेकिन अगर आपके प्रोसेसर में ही दम नहीं है तो मैं भाई कुछ नहीं कह सकता। अगर आपके पास स्नैपड्रैगन का कोई मिड रेंज का प्रोसेसर है तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। अदरवाइज जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी सेकंड गेम की ओर। तो सेकंड नंबर पे जो हमारी गेम है इसका नाम है द किंग ऑफ फाइटर्स ऑल स्टार। ये गेम थोड़ा सा आरपीजी टाइप का है, लेकिन इस गेम में आपको काफी सारा एक्शन और फाइटिंग माहौल देखने के लिए मिलेगा। कॉम्बोस, पावर मूव्स, पावर अपग्रेड्स, करेक्टर्स, मल्टीप्लेयर मोड्स की कमी आपको इस गेम में देखने के लिए नहीं मिलेगी। गेम का साइज है 267 MB। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। अदरवाइज मिनिमम रिक्वायरमेंट इस गेम की है 2 GB रैम। मुझे पता है कि इतनी तो रैम आपके मोबाइल में जरूर होगी। सो गाइस, लिस्ट में थर्ड नंबर पे जो हमारा गेम है इसका नाम है शैडो फाइट अरीना। आपको भी पता है कि शैडो फाइट गेम्स की फ्रेंचाइजी कितनी ज्यादा पॉपुलर रह चुकी है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे। इसके गेम्स कितने ज्यादा कमाल के हैं फाइटिंग की कैटेगरी में, अगर मैं इसको ऐड नहीं करता तो क्या करता। लेकिन इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 3 GB रैम वाला डिवाइस होना चाहिए। इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताऊं तो वो है शैडो फाइट 2। आप उसको प्ले कर सकते हैं अगर आपके पास 3 GB रैम वाला डिवाइस नहीं है। मैं उस गेम का गेम प्ले आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता आप देख लें। वैसे तो शैडो के जैसे इस गेम में करेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा शैडो फाइट अरीना के जैसा ही है। अदरवाइज बात की जाए शैडो फाइट अरीना के बारे में तो इस गेम के ग्राफिक्स सच में बहुत ज्यादा कमाल के रहने वाले हैं। काफी कमाल के करेक्टर्स और मोड्स आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स को इनवाइट करने की भी ऑप्शन आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेंगी। आप उनके अगेंस्ट भी बैटल कर सकते हैं। गेम का साइज 1 GB के अराउंड आपको पड़ जाएगा। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। लेकिन अभी के लिए मूव ऑन करते हैं अपनी फोर्थ गेम की। तो फोर्थ नंबर पे जो हमारा गेम है इसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। ये गेम भी पीसी और पीएसपी कंसोल्स पे बहुत ज्यादा पॉपुलर रह चुका है। आपको पता है कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, तो इस गेम को इस लिस्ट में क्यों ऐड किया जाए। की बात की जाए गेम के बारे में तो वही एमके के सभी करेक्टर्स आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेंगे। काफी कमाल के कटसीन्स, मोड्स और फिनिशर्स भी आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेंगे, जिनका एक्सपीरियंस करके आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। साइज के बारे में बात की जाए तो गेम का साइज है 1.2 GB और ये गेम 2 GB रैम के डिवाइसेस में वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मिड रेंज का कोई बढ़िया सा प्रोसेसर है फिर इस गेम को आप ट्राई करना। सो लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे जो हमारा गेम है इसका नाम है गॉड्स ऑफ रोम। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आपको इस गेम में किनके अगेंस्ट फाइट करनी है और आपको इस गेम में कैसे करेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। काफी कमाल की पावर्स और एक्शन तो आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि आप इस गेम में वेपन्स भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, वेपन्स को यूज करने की भी ऑप्शन आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेगी। अलग अलग मॉर्टल करेक्टर की अलग अलग एबिलिटी होगी। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। अदरवाइज गेम का साइज है 350 MB और ये गेम एकदम फ्री है, तो आप इस गेम को प्ले स्टोर से जाकर कभी भी डाउनलोड कर लेना। लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि नंबर पे कौन सा गेम है। तो सिक्स नंबर पे जो हमारा गेम है इसका नाम है EA Sports UFC। आपको ही पता है कि आपको इस गेम में किसी भी तरह का पावर मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो इस गेम का फाइटिंग स्टाइल है वो पूरा का पूरा टेकन 7 से मिलता था, इसलिए मैंने इस गेम को इस लिस्ट में ऐड किया। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि UFC में क्या होता है, फाइटिंग, फाइटिंग और फाइटिंग। तो अगर आप UFC के बहुत ज्यादा बड़े फैन है तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। इसके बाद में बात की जाए तो गेम का साइज आपको 1 GB के अराउंड पड़ जाएगा। 2 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस गेम को प्ले करने के लिए, लेकिन मैंने इस गेम को 2 GB रैम के डिवाइस में प्ले किया था, मुझे थोड़ा सा लैग देखने के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 3 GB रैम से ऊपर का कोई डिवाइस है तभी इस गेम को प्ले करें, क्योंकि इस गेम के जो ग्राफिक हैं वो थोड़े से हाई हैं, इसलिए आपके पास थोड़ा सा डिवाइस भी बढ़िया होना चाहिए। No, God, please, no, no! सो लिस्ट में 7 नंबर पे जो हमारा गेम है इसका नाम है इनजस्टिस 2। मैं तो आपको पहले ही सजेस्ट कर दूं कि आप इस गेम को जरूर ट्राई करें, क्योंकि इस गेम को मैंने पर्सनली ट्राई किया है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। आप भी इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। डीसी वर्ल्ड के सारे करेक्टर्स आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेंगे। मेरा मतलब कि जोकर, आपको पता है ना जोकर मूवी आई थी, वो भी आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेगा। टेकन 7 का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। साइज के बारे में बात की जाए तो गेम का साइज है 1.4 GB और ये 2 GB रैम के डिवाइसेस में वर्क कर जाएगा। लेकिन फिर से वही बात कि आपके पास कोई प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए मिड रेंज का
एंड्रॉइड वर्जन आपका 5 से ऊपर ही हो। इस गेम का अल्टरनेटिव गेम मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं गेम का गेम प्ले कितना ज्यादा कमाल का है। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया तो आप इसको डाउनलोड कर ले, नहीं तो जो मैंने आपको पहले गेम बताया आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों गेम्स आपको प्ले स्टोर पे एकदम फ्री में मिल जाएंगे। आप जब चाहे प्ले स्टोर से जाकर इन गेम्स को डाउनलोड कर लेना। समझ में आ रहा है? नहीं। तो गाइस लिस्ट में 8 नंबर पे जो हमारी गेम है इसका नाम है मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस गेम में क्या होने वाला है। जी हाँ, मार्वल्स के जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी आप आपस में बैटल करवा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कमाल की बात रहने वाली है। मार्वल यूनिवर्स के फैन इस गेम को जरूर ट्राई करना। साइज के बाद में बात की जाए तो गेम का साइज है 1.2 GB और ये 3 GB रैम के ऊपर के डिवाइसेस में वर्क करेगा। अगर आपको गेम पसंद आया हो तो जरूर डाउनलोड करना। लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि 9th नंबर पे कौन सा गेम है। तो 9th नंबर पे जो हमारा गेम है इसका नाम है पावर रेंजर लेगेसी वॉर। अगर आपने कभी ना कभी किसी पावर रेंजर की सीरीज को देखा है तो आपको तो पता है कि कितना ज्यादा मजा आता था उनको देखने में। इतनी कमाल की फाइट हुआ करती थी जिनको देख के से मुंह से एक ही बात निकलती थी। लेकिन अब तो आप इन सभी फाइट्स को अपने मोबाइल में ही प्ले कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा कमाल की बात है। वो सभी पावर्स, वो सभी पावर रेंजर्स, सब कुछ आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेगा। फाइटिंग माहौल पूरा रहने वाला है, इसलिए आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। गेम के साइज के बारे में बात की जाए तो गेम का साइज है 235 MB। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो आप इस गेम को जरूर डाउनलोड करना। सो गाइस लिस्ट में 10th नंबर पे जो हमारी गेम है इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। अब भाई अगर आपने इनकी मूवीज देखी हैं तो आपको तो पता ही होगा कि कितना ज्यादा फाइटिंग माहौल उसमें देखने के लिए मिलता है। तो आपको वैसा ही फाइटिंग माहौल इस गेम में देखने के लिए मिलेगा। काफी सारी पावर्स, फाइटिंग कॉम्बैट्स, मल्टीप्लेयर मोड भी देखने के लिए मिलेगा। काफी कमाल के आपको इस गेम में फीचर्स और लोकेशंस देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो आप इस गेम को जरूर डाउनलोड करना। साइज के बारे में बात की जाए तो गेम का साइज है 547 MB। अगर आपके पास 3 GB रैम से कोई ऊपर का डिवाइस है तो आप इस गेम को जरूर डाउनलोड करना। लेकिन 2 GB रैम के लिए मैंने एक अलग से गेम रखा है जिसका नाम है जीगल स्टील बॉक्सिंग चैंपियन। ये गेम सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको पहला गेम बताया, सिर्फ आपको इंटरफेस थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलेगा। अभी कमाल के अलग अलग टाइप के रोबोट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आइस, फायर, इलेक्ट्रिसिटी और डार्क मेटल जैसे भी काफी कमाल के रोबोट्स हैं जिनका यूज करके आप अपने एनिमीज को डिफीट कर सकते हैं। अगर आप इस गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेगी। मेरा मतलब कि आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हैं 1v1, उसके साथ भी आप बैटल करके इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। इनके और भी दो गेम्स प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर लेना। लेकिन अभी के लिए इस गेम के साइज के बारे में बात की जाए तो इस गेम का साइज है 390 MB। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया तो आप इस गेम को जरूर डाउनलोड करना। सो यही थे कुछ ऐसे कमाल के टॉप 10 बेस्ट मल्टीप्लेयर फाइटिंग गेम्स फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको इनमें से कोई गेम पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखने वाली है टॉप 10 ऑफलाइन फाइटिंग गेम्स की लिस्ट। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टॉप 10 गेम्स दिख रही हैं। सभी की सभी गेम्स आपको प्ले स्टोर पे एकदम फ्री में देखने के लिए मिलेंगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 3rd नंबर की गेम है वो एक PSP की गेम है जो कि आप एंड्रॉइड पे प्ले कर सकते हैं। चाहे तो अभी के अभी मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस बता दूं कि इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए आपको सिंपली YouTube पे सर्च करना है हाउ टू डाउनलोड सोइल कैलिबर इन एंड्रॉइड। आपको काफी सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। आप उनमें से किसी एक वीडियो को देखकर इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में प्ले कर लेना। अच्छी बात बोली। तो जाने से पहले वीडियो को ठोक दीजिए। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।